Sarvajaha Namo Namaha. I think most of you cannot understand Sanskrit. Aham Anil Kumar Gaurishetty, Bharatiya Pravatik Sanskhanam Rurki Madhye, Bhautika Shastra Vibhage, Aham Sahayak Pradhyapaka. Going on for the last 35 years worldwide. So this organization Sanskrit Bharati organized thousands of such 10-day spoken Sanskrit classes worldwide, especially in top 10 universities in the world. Right now weekly classes are going on in MIT, Stanford, Princeton, Pennsylvania, Maryland universities. So we have a lot of active groups are there like this. So in today's program, without taking much time, I request the dignitaries उसके बाद जो गीत करवाया उनको मैं परिचय करूँगा। 10 मिनट के बाद हमारे क्लासेस आरंभ हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन के लिए। तो पहले मैं अतिथियों को दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संग दीप नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु हरि ओम। Shri Sunil Amuleji, he is a full-time worker in Sanskrit Bharati activities. Simultaneously, he is doing MA in Sanskrit. So, I request him to introduce the guests. Asmakam Saubhagyam Asti Yat Vayam Adhya Arabhya Asmin Parisare संस्कृत भाषा पठिष्याम संस्कृत शिविर पठिष्याम यतो हि अस्माकं संस्कृति यत् किमपि अस्ति तत् सर्वं संस्कृत भाषायाम् निहितम् अस्ति। अस्माकं संस्कृते रक्षणमपि संस्कृत भाषायाम् भाषया एव भवति। अतः अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति वयं दस दिवसीय संभाषण शिविरे संस्कृतं पठिष्याम। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं पुरतः विराजमानाः सन्ति मञ्चस्य मध्ये परिचय कार्यालय महोदय डॉक्टर प्रेमचंद शास्त्री महोदय वरिष्ठ प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज तत्र अस्ति विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी तत्र महोदय सन्ति संस्कृत भाषा कार्यकर्तारः अपि सन्ति महोदय। पुनः महोदयस्य दक्षिण भागे वाम भागे विराजमानाः सन्ति अस्माकं संस्कृत भाषा क्षेत्र संगठन मंत्री श्री जयप्रकाश महोदय अष्टादश वर्षेभ्य 18 वर्षेभ्य प्रचारक अस्ति संस्कृत भाषा अत्र क्षेत्र संगठन मंत्री रूपेण अत्र महोदय पश्यति। महोदय से केंद्र हरिद्वारम अस्ति अत्र महोदय विराजमान सन्ति मम वाम भागे डॉक्टर प्रकाश पंत महोदय अस्माकं हरिद्वारे उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय अस्ति तत्र शिक्षा शास्त्र विभागे महोदयः पाठयन्ति तत्र आचार्य सन्ति
पुनः अस्माकं संगठनमस्ति संस्कृतभारती, तस्य संगठनस्य यत्किमपि प्रकाशनं भवति तस्य प्रकाशन प्रमुख रूपेण अपि महोदयः पश्यति दायित्वम्। अतः महोदयानां सर्वेषाम् आगतानाम् अत्र अहं स्वागतं करोमि संस्कृतभारती पक्षतः, पुनः आई आई टी रुड़की पक्षतः अपि सर्वेषाम् अहं स्वागतं करोमि। धन्यवाद। इधानी निवेदन करोमि, संस्कृत मुझे थोड़ा आता है। तो आज का मुख्य अतिथि है श्रीमान प्रेमचंद शास्त्री जी से 5 मिनट संस्कृत के ये संभाषण जो कक्षा चल रही है उसके महत्व के बारे में थोड़ा समय हमको जो है बताने के लिए विनती कर रहा हूँ। डॉक्टर प्रेमचंद शास्त्री, अहम उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से गुरुकुल परिसर है सह आचार्य एक विभाग है संगीता संस्कृत सिद्धांत विभाग है तस्य विभाग के प्रमुख है। अभी भवंत सर्वे जानन्ति संपूर्ण देशे संपूर्ण विश्वे ये के अपि देशाः सन्ति तेषां देशानां अभिज्ञानम् आइडेंटिटी निमित्तम् एकं कारणं भाषा अपि भवति। अभी जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है या हिंदी में बोलूं? यथा जर्मन देश से आइडेंटिटी जर्मन भाषा द्वारा जर्मनी भाषा द्वारा, रूस देश से आइडेंटिटी रूसी भाषा द्वारा, इजराइल देश से आइडेंटिटी हिब्रू भाषा द्वारा, तथैव अस्माकं देश से आइडेंटिटी रूपेण कापि भाषा अस्ति वा? अभी आपसे पूछता हूं कोई भाषा है क्या जिससे हमारे देश की पहचान हो? देर लग रही है, इसका मतलब भाषा तो है पर हमको मालूम नहीं। सा भाषा अस्ति संस्कृतम्। प्राचीन कालात् यदा सृष्टेः आरंभ जाता है, दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? सबसे पहली किताब ऋग्वेद। ऋग्वेद कस्यां भाषायां? संस्कृत। ततः आरभ्य अद्य पर्यन्तम् वर्तमान यत् साइंस एंड टेक्नोलॉजी अस्ति तस्य इतिहासस्य कियत् काले, कितना इतिहास है उसका? अभी जो जितने भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र है 200-250-300 साल, परंतु ऋग्वेद के काल से लेकर के आज तक भारतवर्ष के अंदर विज्ञान प्रौद्योगिकी चिकित्सा नक्षत्र विज्ञानम ये भी विषया सन्ति। तेषां सर्वेषां विषयानां अध्ययनं अध्यापनं सर्वं संस्कृत ग्रंथेषु संस्कृत द्वारा संस्कृत माध्यमेन भवति। एकम् उदाहरणं वदामि। इतिहासे एक राजा आसीत् भोज, भोज का नाम सुना? वो अपने राज्य में निकला कि पता करूं मेरे राज्य में सबसे कैसी स्थिति है। तो जा रहा था, सह एकम भारवाहकम दृष्टवान, रिक्शा चालक है अथवा सिर है ऊपर ही भारम वियर व्यक्ति, सह तम दृष्टवान भो भारवाहक किम भार है भवंतम बाधति बाधति, यदि आपको ये बोझा कुछ बाधा कष्ट पहुंचा रहा। तो उसने उत्तर दिया, नैने भार है बाधते राजन यथा बाधति बाधत है बाधते। राजा ने जान पूछ करके बाधती बाधा पहुंचा रहा है, ये वर्ब को गलत बोला, रूप होता है बाधती, उसने बोला बाधती। उस भारवाहक ने उत्तर दिया कि मुझे ये भार उतना कष्ट नहीं दे रहा जितना कि आपके द्वारा बाधती बाधते को बाधती बोलना दे रहा। मान एक भारवाहक भी ऐसी संस्कृत जानता था, ऐसी संस्कृत बोलता। दूसरा उदाहरण, बहुत ज्यादा उद्घोषणा कृतवा हम अस्माकं राज्य यह कोपि अशिक्षित है भवे सह स्वकीयान राज्य कर्मचारी ने उक्तवान तब अन्विष्य आलयत, अपने सैनिकों को बोला जाओ कोई अशिक्षित हो उसको पकड़ करके लाओ। तो वो एक बहुत ढूंढा तो कोई जुलाहा ऐसे बुन रहा था इतना कपड़ा इतना कपड़ा, उसको लेकर के पहुंचे तो उसने पूछा तुम अशिक्षित हो क्या? तो उसने एक श्लोक में उत्तर दिया, काव्यम करोमि
नहीं चारु तरम करोमि यत्नात् करोमि यदि चारु तरम करोमि भूपाल मणि मौलिक पाद पीठ हे सहसांत कवयामी वयामी यामी। उन्होंने कहा पढ़े लिखे की बात नहीं है, मैं कविता भी कर लेता हूँ, संस्कृत में काव्य रचना भी कर लेता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता हूँ। पर यदि थोड़ा सा यत्न करूं तो वो बहुत अच्छा भी कर सकता हूं। इस श्लोक के तीसरे चरण में जो उसने एक पद बोला हे सहसांत भूपाल मणि मौलिक, उसमें अलंकार था, उसमें गूढ़ संस्कृत थी, और उसने कहा कवयामी व्यायामी यामी, मैं कविता भी करता हूं, बुनने का काम भी करता हूं, और अब जैसी आज्ञा हो आप मुझे बताइए, जो मुझे सजा देनी हो तो यामी मैं जाऊं यहां से, ऐसी संस्कृति थी। परंतु इतिहास उदाहरण है, किसी भी देश को नृत्य करना हो, दुनिया की सारी शक्तियों ने सोचा और भारत को नष्ट करने के लिए शकों के आक्रमण हुए, हूणों के आक्रमण हुए, यवनों के आक्रमण हुए, मुगलों के आक्रमण हुए, और सबसे अंत में अभी 250-300 वर्ष पहले किसका आक्रमण हुआ? ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का। अंग्रेजों को बात समझ में आ गई कि इतने लोग भारत के ऊपर ही आक्रमण कृत बनता है, परंतु स्थायी रूपे में शासक आगे भवन, अभी वो परमानेंट यहां के शासक नहीं बन पाए, कारण किम? तो उनको ध्यान में आया एकम संस्कृत भाषा द्वितीयम भारतीय संस्कृति, यदि भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को समाप्त कर दें तो इस देश पर शासन कर सकते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति बनाई 170-200 साल पहले, यहां एक पाठशाला सिस्टम, ग्रामर, उनकी भाषा में ग्रामर स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता था, और उस समय तक संस्कृत के माध्यम से सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ाया जाता था। 200 साल के अंदर में ऐसी स्थिति बनी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ता है वो संस्कृत पढ़ नहीं सकता चाह करके भी, और जो संस्कृत पढ़ता है वो साइंस और टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर होता है, ऐसी पाठ्य विधि बनाई। और उसका परिणाम यह हुआ कि आज जो दशा है वो हमारे सामने। ये बात 1980 में गौरी शेट्टी जी जो प्रारंभ में जिन्होंने चर्चा की कुछ लोगों के ध्यान में है। तो कहां से शुरुआत करें? तो किसी भी भाषा की जो पहला सोपान है वो सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना। बोलने वाला बोल करके समझाता है, सुनने वाला सुन करके समझता। तो सबसे पहले कहां से शुरू करना कि संस्कृत भाषा मृत भाषा हो गई है, तो जीवित भाषा करना है तो संभाषण करना। और बंगलोर में 1980 में तीन युवकों ने इस काम को अपने हाथ में लिया और 20 घंटे जैसा ही अभी शुरू होने वाला, प्रतिदिन 2 घंटा, 10 दिन, 20 घंटे में एक बोलचाल की भाषा कैसे शुरू करना। और यहां से शुरू करते करते इदानीं लक्षशः संख्या देश से लाखों से अधिक लोग ऐसे संस्कृत बोलने लगे, और संस्कृत बोलने ही नहीं लगे हैं तो जो वो ज्ञान विज्ञान के सारे विषय लुप्त हो गए थे उनकी तरह ध्यान आकृष्ट भी कराना। और गौरी शेट्टी पीछे बहुत बड़े बड़े विद्वान भी मुझे बैठे दिखाई दे रहे, और उनके कारण से थोड़ा भय भी लग रहा कि कहीं कोई गलत बात बोल दे। परंतु 2-3 उदाहरण बताता हूं। 1962 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का नाम आपने सुना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको पाठ्यक्रम समिति का सदस्य बनाया। संयोग से उनके पिताजी ज्योतिष के संस्कृत के विद्वान थे और उस कारण से उनको संस्कृत भी आती थी, तो उन्होंने अपने अध्ययन काल में संस्कृत जानने के कारण से उनको पता लगा कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये बड़ी कठिन है, परंतु संस्कृत में इसको बहुत सरल तरीके से बोधायन ने समझाया। तो उन्होंने पाठ्यक्रम समिति को कहा कि देखो ये है सिस्टम, इस श्लोक के माध्यम से इसको एकदम से, ये जो पाइथागोरस का बताया हुआ सिस्टम है ये कठिन है, ये बहुत सरल है। उन्होंने बताया लेकिन उन्होंने माना नहीं। थोड़े दिन बाद ही इंग्लैंड के एक बहुत बड़े विद्वान जिनका हाइड्रोजन परमाणु बम निकोलस संभवतः उनका नाम था, वो आए बंबई में और आकर के उन्होंने एक पुस्तक लिखी सिंप्लिसिटी ऑफ साइंस, और उसने वर्णन किया कि संस्कृत में ऐसे सूत्र हैं जिनके द्वारा हम साइंस को और जो गणित की गणनाएं हैं
और उनके जो आकलन है उनको सरल तरीके से समझ सकते हैं। जब वो बात पाठ्यक्रम समिति के सामने लाई गई तब उन्होंने कहा कि अच्छा अब हम इसको बोधायन पाइथागोरस प्रमेय ऐसा नाम कर देते। एक हमारे शंकराचार्य ने भारतीय कृष्ण तीर्थ, उन्होंने हमारा जो वेद का साहित्य वैदिक साहित्य और वैदिक साहित्य में वेद ब्राह्मण ग्रंथ की कैटेगरी ऑफ लिटरेचर सूत्र ग्रंथ अरण्य ग्रंथ ऐसा उनका सुल्भ सूत्र है और उन सूत्रों में से 16 सूत्र 13 उप सूत्र निकाले और उनके द्वारा गणित की बड़ी से बड़ी रचनाएं अब उसको भी हमने तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक कि जो दुनिया के विदेश के बड़े वैज्ञानिक थे गणितज्ञ थे उन्होंने नहीं माना। तो ऐसी संस्कृत के द्वारा भारतवर्ष को फिर से जो आज फिर से एक नया उत्साह है नई नई खोज नई खोजों को पुरानी खोजों से जोड़ना और जो अभी सारी दुनिया में अर्थशास्त्र से लेकर के सारे ज्ञान विज्ञान के विषय चल रहे हैं उनके संदर्भ संस्कृत में है क्या। ऐसे सब भाषा के संभाषण से लेकर के ऐसे सब विषयों तक का काम संस्कृत भारती नाम के संगठन ने प्रारंभ किया है। देश भर में जैसा परिचय दिया ऐसे प्रचारक मानी होल टाइमर मानी सफेद कपड़ों में सन्यासी मानी विवाह नहीं करेंगे शादी नहीं करेंगे विजिट नहीं करेंगे नौकरी नहीं करेंगे केवल संस्कृत के लिए काम करेंगे और संस्कृत के द्वारा भारत माता फिर से कैसे विश्व गुरु बने भारत माता फिर से कैसे परम वैभव को पहुंचे ऐसे 350-400 लोग देश भर में नहीं तो विश्व के भी लगभग 40 देशों में इसे लेकर के काम कर रहे हैं। ऐसी संस्कृत भारती का यानी आप देखेंगे कि पहला सोपान संभाषण और बाकी फिर वहां तक जाना आप सब ने मुझे थोड़ा विलंब हो गया उसके लिए सिद्धि जी और आपका तो क्षमा करें धन्यवाद। पहले दिन है तो क्लास 6:30 राइट नाउ आधा घंटा क्लास का टीचिंग मेथडोलॉजी जो है इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए डिपार्टमेंट्स स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी कुछ एक्सपेक्ट करके यहाँ आते हैं। पहला दिन है तो कैसा होगा जानते नहीं है आधा घंटा ऑब्जर्व करिए वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू टेक द फीडबैक ऑफ इट उसको लंबे समय तक लेके जल्दी रेगुलर आने के लिए एक क्लास में आप ये बार चेंज कर दीजिए बट अंडरलाइन पॉइंट इज वन योर थिंग जो पहले से ओपन है टू लर्न कन्वर्सेशनल संस्कृत सरल पद्धति में संस्कृत में संभाषण कैसे करना है इसके लिए टीचिंग जो है अभी हमारे टीचर जो है क्लास लेने के लिए शुरू कर देंगे प्रकाश पंत जी अभी क्लास को आरम्भ करेंगे तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मम नाम प्रकाशः मम नाम प्रकाशः मम नाम प्रकाशः भवतः नाम किम् मम नाम अभिमन्युः समीचीनं मम नाम प्रकाशः मम नाम प्रकाशः भवतः नाम किम् समीचीनं मम नाम प्रकाशः मम नाम प्रकाशः भवतः नाम किम् मम नाम सुनीलः सुनीलः समीचीनं भवतः नाम सुजितः भवतः नाम किम् ऋषि कस्य नाम ऋषिः मम नाम ऋषिः समीचीनं मम नाम ऋषिः मम नाम प्रकाशः मम नाम प्रकाशः मम नाम प्रकाशः भवतः नाम किम् अभिराजः मम नाम अभिराजः मम नाम अभिराजः भवतः नाम किम् मम नाम अभिराजः समीचीनं मम नाम अभिराजः मम नाम प्रकाशः मम नाम प्रकाशः भवतः नाम किम् मम नाम मनीषः मनीषः मम नाम प्रकाशः भवतः नाम किम् मम नाम निकेतः समीचीनं भवतः नाम किम् मम नाम अनिरुद्धः समीचीनं अनिरुद्धः भवतः नाम किं विन्ध्याप्रसादः समीचीनं भवतः नाम किं मम नाम ऋषिः ऋषिः भवतः नाम किं समीचीनं मम नाम समीचीनं सुशान्तः
अमिता कुणाल सोनू उदय समीप इदानीं वयं सर्वे ज्ञातवन्तः सरलमस्ति समस्या तो नास्ति मम नाम कुणालः अमितः सुनीलः रामः मोहनः ऋषिः महर्षिः यत्किमपि समीचीनम् अस्तु इदानीं मम नाम प्रकाशः भवतः नाम किम् सुनीलः भवतः नाम किम् मम नाम सुनील है नितेश समीचीन मम नाम सुनील है भवतः नाम किम् मम नाम नितेश भवतः नाम किम् मम नाम सुनील है समीचीन समीचीन स्पष्टं भवति स्पष्टम् अस्ति भवतः नाम किम् मम नाम जय कृष्णः समीचीन स्पष्टं भवति समस्या तु नास्ति इदानीं सर्वे अवगच्छन्ति अत्र भवतः नाम किं मम नाम ऋषभः समीचीनं ऋषभः मम नाम दिगजः मम नाम दीपकः मम नाम समीचीनम् इदानीम् एतत् पुल्लिङ्गे इति पुल्लिङ्गम् इदानीं चिन्तयतु अत्र भगिनी अस्ति तर्हि मम नाम रेखा मम नाम रेखा भवत्याः नाम किम् मीना अवगच्छन्ति भवतः भवत्याः किं वक्तव्यं भवत्याः अत्र किं वदामः भवतः एकवारम् उच्चारयामः भवतः भवतः भवत्याः भवत्याः नाम किम् मम नाम प्रकाशः भवत्याः नाम किम् समीचीनं भवत्याः नाम किम् तुलसी भवत्याः नाम किम् पावनी समीचीनं भवत्याः नाम किम् सोनाली भवत्याः नाम किम् अपर्णा समीचीनं स्वाति स्पष्टं भवति मम नाम प्रकाशः भवत्याः नाम किम् मीनाक्षी स्वाति कुत्र अस्ति मम नाम मीनाक्षी भवत्याः नाम किम् इदानीं किञ्चित् मिश्रितं समीचीनं भवत्याः नाम किं मीनाक्षी मीनाक्षी अत्र भवतः नाम किं मम नाम विकी विकी मम नाम मीनाक्षी भवत्याः नाम किं मम नाम विकी भवत्याः नाम किं मम नाम मीनाक्षी स्पष्टं भवति कठिनं तु नास्ति कठिनमस्ति वा इदानीं सर्वे वयं परस्परं किं कुर्मः इदानीं परिचयं कुर्मः इति चिन्तयतु कश्चित् अपरिचितः अस्ति तर्हि वयं तं पृच्छामः इदानीं किमस्ति अस्माभि यथा अस्यां पङ्क्तौ द्वौ द्वौ स्तः एकः अपरम् एवं भवती अत्र पृच्छतु भवान् तत्र एवं परस्परं पृच्छन्तु नमः 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 नमः
धन्यवाद। इदानीं परीक्षा नाम नामोच्चारण सर्वे ज्ञातवन्तः। मम नाम प्रकाशः मम नाम किम्? भवतः नाम समीचीनं। मम नाम किम्? समीचीनं। भवतः नाम धन्यवादः। अग्रे राम बालकः समीचीनम्। समीचीन। स्पष्टं? कठिनं तु नास्ति? नास्ति।
बालिका
का सा बालिका, का बालिका सा बालिका, बालिका का सा बालिका, सा बालिका। अस्तु। शिक्षिका शिक्षिका सा शिक्षिका, सा शिक्षिका, सा शिक्षिका, सा का सा शिक्षिका, का शिक्षिका सा शिक्षिका, शिक्षिका का सा शिक्षिका, का सा सा शिक्षिका, का शिक्षिका सा शिक्षिका। समीचीन। अवगत है? पुल्लिंगे सह, स्त्रीलिंगे सा। समीचीनम्। यदा तत्र नाम मध्ये भवतः भवत्याः सः सा इदानीं तत्र कांचन चित्राणि सन्ति, कांचन नामानि सन्ति। एतत् चित्रमस्ति महिषासुरमर्दिनी इत्युक्ते दुर्गा, सा दुर्गा, सा ता सा दुर्गा, का दुर्गा सा दुर्गा, दुर्गा का सा दुर्गा, का दुर्गा सा दुर्गा। समीचीन। सा भारत माता, सा का सा भारत माता, का भारत माता सा भारत माता, भारत माता का सा भारत माता। समीचीनम्। सीता लेखनी का लेखनी। समीचीनम्।
लेखनी वेलनी प्रयोग वर्णलेखनी विभिन्न वर्णा श्वेत हरिता कृष्ण रक्त वर्ण वर्ण अर्थ कलर कलर समीचीन वर्णलेखनी समी स्पष्ट भवति अस्तु इदानीं वयं पृच्छामः सर्वे अवगतवन्तः वा न वा इति एवं स्वात् एकं वस्तु सा का समीचीनं सा वेलनी सा बहु सुन्दरम् अवगतवन्तः वा अस्माकं मुख्य उद्देश्यमस्ति भवताम् अवगमनम् अवगच्छन्ति चेत् स्वयमेव एतत् किमपि कठिनं नास्ति वयं वस्तु इदानीं चिन्तयतु एतत् उत्पीठिका भू अर्ध त पीठिका उत्पीठिका सा उत्पीठिका सा उत्पीठिका सा का सा उत्पीठिका का उत्पीठिका सा उत्पीठिका समीचीनम् स्पष्टं भवति कठिनं तु नास्ति समीचीनम् इदानीं एकम् एतत् ये इति स्त्रीलिङ्गम् आसीत् इदानीं नपुंसकलिङ्गं पुष्पं पुष्पं तत् पुष्पं तत् पुष्पं तत् पुष्पं तत् किं तत् पुष्पं किं तत् तत् पुष्पं पुष्पं किं तत् पुष्पं किं पुष्पं तत् पुष्पं स्पष्टं भवति तत् पुष्पं अस्तु एतत् फेनकं स्नानफेनकं स्मरामः फेनकस्य अग्रे अर्थात् पूर्वं स्नानफेनकं वस्त्रफेनकं एवं स्नानवस्त्र इति शब्दं योजयित्वा वयं तस्य नाम परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः तत् स्नानफेनकं तत् किं तत् स्नानफेनकं किं तत् तत् स्नानफेनकं तत् स्नानफेनकं समीचीनम् अवगतं वा तत् स्नानफेनकम् इदानीम् एतत् फलं श्रीफलं नारिकेलफलम् एवम् अस्य अन्यानि नामानि अपि सन्ति इदानीं वयं फलम् इति चिन्तयामः तत् फलं तद् किं तद् फलं किं तत् तद् फलं फलं किं तद् फलं किं तत् तद् फलं यत् फलं कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठ पुष्करे तत् फलं पाण्डव श्रेष्ठ एवं प्रकारेण पद्यानि सन्ति यत् फलं तत् फलम् अवगच्छन्ति हा कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन भवतु नाम इदानीं
पत्रकम् केवलम् उदाहरण मात्रम् अस्ति एतत् सर्वम् अनन्तरं वयम् अधीयते नगरं तत् नगरं इदानीं कश्चित् एकः भवतः नास्ति मम नाम विन्दिवासिनी प्रसाद विन्दिवासिनी प्रसाद एकं तत् नगरं समीचीनम् भवतः नाम किं मम नाम पल्लवः पल्लवः तत् मित्रं समीचीनं भवान् कृष्य मम नाम कुणालः कुणालः तत् फलं तत् अवगतं वा सर् भगिनी भवत्या गच्छति भवत्या समीचीनम् एतत्र अस्ति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे भिन्नभिन्नप्रयोगाः उदाहरणार्थं तत्र कथं ज्ञास्यामः कथं स्मरामः तत्र किमस्ति यथा सः प्राथमिकस्तरे केवलं सः यत्र विसर्गः आगच्छति अन्ते शब्दस्य अन्ते विसर्गः सः कः इत्युक्ते देशभक्तः पुरुषः इत्यादि इत्यादि विसर्गयुक्तं पुल्लिङ्गं यत्र आ ई इति आगच्छेत् तद् स्त्रीलिङ्गं यथा रमा शोभा भगिनी माता एवं प्रकारेण देवी सरस्वती इत्यादि यत्र म फलं जलं धनं मित्रं नगरम् इत्यादि तत् नपुंसकलिङ्गं समीचीनं तु पुल्लिङ्गस्य कृते सः स्त्रीलिङ्गे सा नपुंसकलिङ्गे एतदस्ति दूरस्य कृते यथा सः शिक्षकः सः कः सः शिक्षकः समीचीनम् सा वेलनी सा का सा वेलनी का वेलनी सा वेलनी समीचीनम् तत् फलम् स्पष्टं भवति
एषः सः इदानीं बहु शीघ्रतया वयम् अग्रे चलामः अन्य अनेकानि तत्र वाक्यानि भवन्ति परन्तु इदानीं केवलं स्थालिकुलन्यायेन समीकरणमिति इदानीं स्त्रीलिङ्गे झटि सा अग्निपेटिका सा अग्निपेटिका सा अग्निपेटिका सा अग्निपेटिका एषा शान्तमुद्रिका एषा शान्तमुद्रिका सा अग्निपेटिका अवगच्छन्ति इदानीं केवलम् एकम् उदाहरणम् एतत् मापिका सा मापिका एषा कर्तरी एषा कर्तरी सा मापिका तत्पुष्पम् तत्पुष्पम् एतत् फलम् एतत् फलं तत् पुष्पं तत् किम् एतत् पुष्पम् एतत् फलम् एतत् पुष्पम् एतत् फलम् तत्पुष्पम् एतत् फलम् तत्पुष्पम् एतत् फलम् समीचीनम् अवगच्छति समीचीनं बहु शोभनम् तत् पुष्पं समीचीनम् इदानीं भवान् तत् किम् एतत् फलं तत् किं तत् पुष्पं तत् पुष्पं समीचीनम् अवगच्छति एतत् किम् अवगतवन्तः पर्याप्तमस्ति इदानीं साररूपेण पुल्लिङ्गे सः स्त्रीलिङ्गे सा नपुंसकलिङ्गे तत् एवं वदामः सः सा तत् सः सा तत् सः सा तत् बालकः बालिका फलम् बालकः बालिका फलम् एषः एषा एतत् एषः एषा एतत् गोलदीपः अग्निपेटिका पुष्पम् गोलदीपः अग्निपेटिका पुष्पम् एतावत् इदानीम् एवं कुर्मः अत्र वामहस्तः अधः दक्षिणहस्तः तस्य उपरि दक्षिणहस्तः वामहस्तः एवं प्रकारे दक्षिणहस्तः वामहस्तः एवम् अत्र 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 तत्र 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 अत्र अत्र तत्र 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 पुत्र अन्य
सर्वत्र एकत्र षट् अत पदानि सन्ति इदानीम् अहं मध्ये मध्ये व्यतिक्रमं करिष्यामि समीचीनं भावेन यदा इदानीं अस्तु इदानीम् अस्मासु कः अथवा का वक्तुं शक्नोति एतत् भवान् भवतः नाम किं अनिरुद्ध अनिरुद्ध समीचीनं समीचीनं अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र एक वारं अन्ते पुनः वदामः सर्वे प्रायः अवगन्तुं बहु कठिनं नास्ति अत्र किमस्ति स्मरणार्थम् एतत् अभिनयम् अभिनयः स्मरणार्थम् एवमहम् एतदुक्तम् अत्र एवं कृते सति स्वयमेव अत्र आगमिष्यति पदम् अत्र इत्युक्ते अत्र 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 एतत् सर्वम् अत्र यत्किमपि अस्ति अत्र अत्र तत्र तत्र पुत्र अन्यत्र सर्वत्र सर्वत्र एकत्र शिक्षकः शिक्षकः अस्ति शिक्षकः अत्र अस्ति शिक्षकः पुत्र अस्ति शिक्षकः अस्ति तत्र कः अस्ति शिक्षकः अस्ति शिक्षकः तत्र अस्ति सर्वमपि शुद्धं समीचीनं फलं फलं अत्र अस्ति पुष्पं अत्र अस्ति फेनकम् अत्र अस्ति महोदयः अत्र अस्ति कर्तरी अत्र अस्ति चषकः अत्र अस्ति अन्नभाण्डः अत्र अस्ति दुग्धदीपः अत्र अस्ति गोलदीपः अत्र अस्ति उत्पीठिका अत्र अस्ति उत्पीठिका अत्र अस्ति आसन्दः तत्र अस्ति आसन्दः कुत्र अस्ति आसन्दः तत्र अस्ति समीचीनं समीचीनं नारिकेलफलम् अत्र अस्ति नारिकेलफलं कुत्र अस्ति कदलीफलं कुत्र अस्ति अत्र अस्ति कदलीफलं अन्यत्र अस्ति मुख्य अतिथिः कुत्र अस्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति जलं कुत्र अस्ति आकाशः कुत्र अस्ति वायुः कुत्र अस्ति प्रकाशः कुत्र अस्ति समीचीनं छात्रसमूहः एकत्र अस्ति समीचीनम् अस्तु इदानीं भवतः नाम किम् अनुरागः अस्तु अनुरागः अनुरागः सः अनुरागः सः कः सः अनुरागः अनुरागः कः अनुरागः बालकः बालकः गच्छति कः गच्छति बालकः किं करोति बालकः आगच्छति कः आगच्छति बालकः किं करोति
बालकः उपविशति कः उपविशति बालकः उपविशति बालकः किं करोति बालकः उपविशति बालकः उत्तिष्ठति कः उत्तिष्ठति बालकः उत्तिष्ठति बालकः उपविशति कः उपविशति बालकः उपविशति बालकः पठति बालकः पठति कः पठति बालकः पठति बालकः किं करोति बालकः पठति बालकः लिखति कः लिखति बालकः लिखति बालकः किं करोति बालकः लिखति बालकः क्रीडति बालकः क्रीडति कः क्रीडति बालकः क्रीडति बालकः धावति कः धावति बालकः धावति बालकः धावति बालकः किं करोति बालकः धावति समीचीनम् बालकः नृत्यति समीचीनम् बालकः हसति एकवारं क्रियापदानि वदामः गच्छति गच्छति पठति पठति लेखनं मास्तु कृपया वयुक्ता पत्रकानि दास्यामः ब्रिलियण्ट् मेटर् इतः दीयते लेखनं केवलम् उच्चारणं गच्छति गच्छति पठति पठति लिखति लिखति पठति पठति हसति हसति क्रीडति क्रीडति आगच्छति आगच्छति उपविशति उपविशति उत्तिष्ठति उत्तिष्ठति नमति नमति धावति धावति क्रीडति क्रीडति खादति खादति पिबति पिबति गच्छति गच्छति क्रियापदानि बहु सरल सरल क्रियापदानि इदानीं संख्या एकम् द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश विंशतिः विंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः अशीतिः नवतिः नवतिः शतम् शतम् पत्रकमस्ति यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिष्वान् माहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्ध जैना सत्श्री अकालेति च सिक्ख सन्तः सास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारः मातेति पितेति भक्त्या स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एवा प्रभुरद्वितीयः स एक एवा प्रभुरद्वितीयः Please give your honest feedback. There were two questions. Are you satisfied? And if no or yes, what changes would you like to incorporate in this class? Take
मॉडल तो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है 40 मिनट में और पहले क्लास से इसलिए 15 मिनट गलत थे इफ यू वांट टू नो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 6:30 प्लीज गिव फीडबैक एंड गिव टू वन ऑफ द वॉलंटियर्स आर यू सैटिस्फाइड विद दिस काइंड ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड बिफोर कमिंग टू दिस क्लास एंड इफ यू वांट एनी चेंजेस प्लीज राइट दो सजेशंस बट एक बार याद रखिए क्लास में संस्कृत के अलावा हिंदी अंग्रेजी उपयोग नहीं किया जाएगा दिक्कत होगी अभिनय से और शब्दों से ही थोड़ा चैलेंजिंग है पूरा 100% संस्कृत में ही क्लास चलेगी कुछ शब्द मेरी पता नहीं है बाद में टीचर से पूछेंगे आपस में और प्लीज़